गाइस, मैं हूं ज्योति अश्वाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूं स्मार्ट क्राफ्ट तरफ से आने वाले मल्टी फंक्शनल कैश रजिस्टर की। ये देख सकते हो आपके सामने ही रखा हुआ है ये कैश रजिस्टर, बट अभी मैं आपको इसे पूरा ओपन करके दिखाऊंगी। ऐसे तो ये ओपन ही है, बट आपको एक एक चीजें अलग कर करके दिखाऊंगी क्या क्या हमें इसमें मिला है। मैं आपको इसे पूरा खेल करके और इसका क्या क्या यूज है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कैश रजिस्टर सीरीज और ये देख सकते हो आपको सामने में एक टेलीफोन टाइप का दिख रहा होगा, बट ये टेलीफोन नहीं है। और यहाँ पर ओपन करने का बताया गया है और यहाँ पर कुछ कुछ डिटेल्स दी गई है इसके बारे में। और यहाँ पर आपको दिखाया गया कि क्या क्या सामान हम लोग को इसके अंदर मिलेगा। और पीछे देखो, पीछे भी सेम ही चीजें, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। चलो यार, जल्दी जल्दी ओपन करते हैं इसे। तो दोस्तों, ये अब हो रहा है ओपन और कॉइन का पूरा सेट निकला है। अब भी और भी सामान है अंदर, इसको निकाला जाए। तो पूरा पेटी पैक सामान निकल चुका है हमारा। अब चलिए धड़ाधड़ इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर मिली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इससे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग निकाला जाए इसे, जो कि है एक टोकरी। और इस टोकरी में बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा कैप्सिकम, ये रहा कॉर्न, और यहाँ पर है चिकन पेस्ट, और ये है मिल्क क्रीम पाउडर, और ये है स्ट्रॉबेरी कुकी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूरा खाली है। आपको यदि इसके अंदर कुछ रखना हो तो आप इसको रख सकते हो। पर हमारे पास एक बकेट भी है जिसके अंदर हम लोग सारी चीजों को रख सकते हैं। ये है हमारा शॉपिंग कार्ट, जिस तरह की मॉल में होता है। ये है डिस्टिल वाटर की बॉटल, और यहाँ पर तीन बॉटल्स और भी मिली है, जिसमे की ये है दूध की बॉटल, टोमेटो केचप की बॉटल, और एक बार फिर से डिस्टिल वाटर की बॉटल, यानी कि हमारे पास टोटल दो है पानी की बॉटल्स। अब देखते हैं इसमें क्या मिला है। इसमें तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मुझे दिख रहे हैं और एक एटीएम कार्ड भी दिख रहा है यार। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिला है एटीएम कार्ड, जो कि बहुत ही रियल लग रहा है। और ये देखिए, पीछे में भी, मतलब टोटली रियल तो नहीं है, बट हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बच्चों को काफी मजा आएगा। इसको यहाँ रखते हैं। और यहाँ पर इतने सारे कॉइन्स मिले हैं हमें, इन सबको हमें निकालना होगा इसके अंदर से। ओए होए, इतने सारे पैसे, बाप रे, मैं तो अमीर हो गई। और ये क्या है दोस्तों, छोटी सी चाबी। गाइस, सारी चीजें तो हम लोगों ने निकाल ली, अब हम लोग का बचा है मेन पार्ट, यानी कि अपना कैश रजिस्टर। तो चलिए ऐसे भी फटाफट से निकालते हैं। दोस्तों, हमारा कैश रजिस्टर निकल चुका है। आई थिंक ये वर्क करेगा किस तरह, जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बैटरीज। गाइस, हमारे पास है दो डबल ए साइज की बैटरी, जिसको कि आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो फटाफट से इसको इंसर्ट करते हैं। और ये देखिए, इसमें पिप पिप की आवाज आई और ये रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारा कैश रजिस्टर, और यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं, एक ऑन का एक ऑफ का। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं ऑन। तो देखिए, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ आ गया, यानी कि ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पर ऑफ बटन भी है, ये देखिए ऑफ हो गया, ये ऑन। और ये आपका वर्क करेगा पूरा कैलकुलेटर की तरह। और ये आप देख रहे हो जो बगल में है, ये टेलीफोन सा लग रहा है, बट ये टेलीफोन नहीं है, ये है बारकोड रीडर। और देखिए, यहाँ पर एक स्टिकर भी लगा हुआ है, दीदी दीदी करके। और ये देखिए, यहाँ पर आप जब प्रेस करोगे तो आपको रियल बारकोड जैसा आवाज सुनाई पड़ेगा, पिप पिप पिप, जैसा कि रियल में हम लोग जब मॉल जाते हैं तो आपने सुना भी होगा। और बहुत ही अच्छा इसको पकड़ने का हैंडी टाइप बनाया गया। तो चलिए, अब हम लोग एक बारकोड को स्कैन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसमें बारकोड भी दिया गया है, तो इसको भी हम लोग फटाफट से करते हैं स्कैन। स्कैन हो गया, और यदि स्कैन हो चुका है तो चलिए यहाँ पर प्राइस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये है हमारा प्रिटेंड प्ले, तो कुछ भी रियल नहीं होने वाला, बट इसको रियल बनाया जाएगा। 22 रुपीज, और प्लस एक केचप भी लेना है मुझे, तो एक केचप का भी प्राइस मैं जोड़ूंगी। ये रहा बारकोड, ओ, इसका हो गया 100 रुपीज। तो 100 और इक्वल्स टू 122। ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे। अब आती है बारी पेमेंट करने की। तो हम लोग तीन मोड से पेमेंट कर सकते हैं, एक है एटीएम कार्ड, एक है नोट्स, और यहाँ पर है इतने सारे कॉइन्स, जिसमें से दो मैंने निकाल लिए हैं आप लोग को दिखाने के लिए, बाकी आप लोग निकालना। हो गया मैडम मेरा पैसा, आपका 22 रुपए हो गए भैया। ये लीजिए कार्ड, मेरा कार्ड से पेमेंट होगा। ठीक है, कार्ड को करना है हमें ऐसे स्वाइप अप, और ये भैया देखिए निकल गया है, यानी कि आपका हो गया पेमेंट। और फटाफट आपको प्रिंटिंग करके दे देते हैं, तो खटाक से हो जाओ प्रिंट। वी कट 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 हो गया। मैडम, ये कैचअप का भी थोड़ा कर दीजिए बिलिंग। ठीक है भैया, इसका मैं बिलिंग कर देती हूँ। ओ, मशीन को खोलते हैं पहले। ऑन ऑन हो गया मशीन। अब करना है बारकोड को स्कैन। स्कैन हो गया, टोटल हो गया 190। ये लीजिए 200 रुपए, लौटाइए मुझे पैसे। दोस्तों, पैसे तो हमें मिल गए, बट इन पैसों को रखे कहाँ? तो ये देखो, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, ये रहेगा कुछ
इस तरह से, और इसको हम लोग जैसे ही यहाँ घुमाएंगे और करेंगे ओपन पे क्लिक, तो ये देखो खुल गया। और ये इसके अंदर क्या है? ओह माय गॉड, इतने सारे कॉइंस पहले से इसके अंदर थे। वाओ, सो नाइस यार। इसके अंदर सारे पैसों को हम लोग रख देते हैं और इसको कर देते हैं बंद, और फिर से ओपन, ये फिर खुल गया। वाओ, तो ये भी बिल्कुल रियल लग रहा है मुझे तो। और इसमें हम लोग चाबी को लॉक कर देते हैं वरना कोई चोर चोरी कर लेगा। लॉक कर दिया और चाबी को छुपा दिया। अब हम लोग यदि इसको ओपन करने का ट्राई करें तो देखिए अब ओपन नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इस चाबी से इसे लॉक जो कर दिया था। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कितना बढ़िया वर्किंग कैश रजिस्टर है। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है प्रिंटिंग वाला, जिस तरह के साइड में जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं तो यहाँ से खट 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 पेमेंट होकर निकल जाता है, तो ये भी वर्किंग है। ये देखिए खटक खटक पेमेंट हो गया। और यहाँ पर एक छोटा सा माइक भी दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर से बात भी कर सकते हो। जैसे कि कैश रजिस्टर बोलेगा हेलो हेलो आपके 120 रुपए हो गए, दो 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 जल्दी दो, तो कस्टमर सुनेगा और वो बोलेगा लीजिए भैया जी एटीएम कार्ड, और करेगा इससे खटक से पेमेंट। अब गाइस बात करते हैं इसकी क्वालिटी, तो मैं आपको क्वालिटी इसकी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं इसको कितना ज़्यादा ठोक रही हूँ, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्वालिटी वाइज तो। और इन सब की यदि बात करें जैसे कैलकुलेटर, तो मैं ये तो फुल्ली वर्किंग है, इसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो बटन है ये रबड़ के दिए गए हैं और ये दो बटन प्लास्टिक के हैं। और यदि पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर आपको दो बैटरीज इंसर्ट करनी होगी, और यहाँ पर दिया हुआ एक स्पीकर जिसके थ्रू आपको पिप का आवाज़ जो सुनाई पड़ रहा होगा इसी के थ्रू आ रहा है। और ये देखिए पीछे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ये वाला जो है इसके साथ इस तरह का लगा हुआ है, बट ये इसके साथ इंसर्ट नहीं लगेगा। आप इसको सिंपली इसको ऐसे निकाल लेना और इसको निकाल करके यहाँ पर लगा देना, क्योंकि यहाँ पर रखने का जगह है। और ये जो आपका बारकोड रीडर है ये रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये कैश रजिस्टर तो आपने देखा, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा, एंड आई नो आपको ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा होगा। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, और स्पेशली इसके अंदर जो कैलकुलेटर दिया गया है यार, यदि आप भी यूज करना चाहो तो आप भी इसको एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बड़े हो या छोटे। और साथ ही साथ इसमें ये जो चीजें हैं लाइक कैश रजिस्टर, जैसा कि मॉल वगैरह में हम लोगों ने देखा है, तो इससे आप अपने छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, वो लोग पैसों से लेन देन सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो लोग सीख सकते हैं इसके थ्रू। तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया, जैसे कि ये बारकोड स्कैनर, उसके बाद एटीएम, ये सब चीजें क्या होती है, आप इस टॉय के थ्रू उन्हें सिखा सकते हो। और दोस्तों इसमें बहुत सारे कॉइन्स भी दिए गए, ऐसा नहीं है कि एक ही दो कॉइन हो या समथिंग, इसमें बहुत बहुत सारे कॉइन्स है। इसको आप लोग को सिंपली इस तरह रोटेट करना और ये सारा कॉइन निकल जाएगा। तो है ना बहुत ही बढ़िया बात यार, ये तो मुझे बहुत बहुत ही कमाल का लग रहा है, और आई नो आपको भी ये बहुत ही कमाल का लग रहा होगा। और अब आपको मन कर रहा होगा कि इसे कैसे खरीदा जाए, तो बाय करना भी इसे बहुत ही सिंपल है। इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप इसे इजिली बाय कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि स्मार्ट क्राफ्ट की तरफ से आने वाले इस कैश रजिस्टर का प्राइस कितना है, तो उसी लिंक पर क्लिक करके आपको उसका प्राइस भी पता चल जाएगा, जहां से आप इजिली इसे बाय भी कर सकते हो। सो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, एंड आई नो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बताओ कितना पसंद आया, और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।